नगर विकास न्यास अलवर की ओर से प्रशासन शहरों के संग अभियान के कैंप फिर से सामुदायिक भवनों में लगाए जाएंगे। पिछले करीब एक महीने से यहां कैंप बंद किए हुए थे। इस अभियान को लेकर बढ़ती जा रही लापरवाही को लेकर जनहित को ध्यान में रखते हुए अलवर न्यूज ने प्रमुखता से खबर कवरेज की थी। गुरुवार को यूआईटी सचिव डॉक्टर मंजू ने कार्यालय के नीलामी हॉल में संचालित हो रहे कैंप का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अव्यवस्थित कैंप देखकर सचिव ने नाराजगी जताते हुए कर्मचारियों को नोटिस और निलंबित करने की चेतावनी भी दी। अभियान के प्रभारी उप सचिव योगेश कुमार डागुर ने बताया कि 1 सितंबर से सामुदायिक भवन में कैंप लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सचिव ने निरीक्षण कर अधिकारी कर्मचारियों को अभियान के प्रति लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं। राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने शहरी आम नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया है, जिसमें हम उनके नियमन पट्टे जारी करना, आवन पट्टे जारी करना और भवन निर्माण स्वीकृति जारी करना, नाम परिवर्तन जारी करना, इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं। और भिन्न भिन्न वार्डों में और भिन्न भिन्न हमारे जो सामुदायिक केंद्र हैं न्यास की कॉलोनियों में, उनमें कैंप लगा करके मौके पर ही आम नागरिकों के आवेदन पत्र लेकर के कार्रवाई करके उनको पट्टे जारी कर रहे हैं। अब हमारा तीसरा चरण चल रहा है जो 15 जुलाई से प्रारंभ हुआ है। इस तीसरे चरण में 15 जुलाई से अब तक हमने 1154 पट्टे जारी कर दिए हैं। शहर 2021 प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021 से जो चलाया गया था उससे अब तक हमने 5266 पट्टे जारी कर दिए हैं। कुल हमारे पास 5557 एप्लीकेशन आए थे, जिसमें से 5266 लगभग हमने 98.09% आवेदन पत्रों का निस्तारण कर दिया है। इसी प्रकार नाम परिवर्तन 2469 और एक मुश्त लीज के प्रकरण 2757, भवन निर्माण स्वीकृतियां 2774 जारी की हैं और भू उपखंडों का जो पुनर्गठन और विभाजन होता है ऐसे हमने 118 में से 113 प्रकरणों का निस्तारण किया है। हमारा निस्तारण प्रतिशत लगभग 98-96 चल रहा है और हम आगामी 1 सितंबर से भी पुनः योजना बना रहे हैं, जैसा सचिव महोदय के निर्देश हैं कि दोबारा से फिर सामुदायिक भवनों में और इस नीलामी भवन में शेड्यूल जारी करके कैंपों को पुनः नए उत्साह से लगाएं। आज सचिव महोदय ने भी निरीक्षण किया, क्या निर्देश दिए हैं? सचिव महोदय ने निर्देश दिए हैं कि जो भी आवेदक आ रहा है उसको तसल्ली से सुना जाए, उसकी समस्या का नियमानुसार उसको समाधान बताया जाए और जो काम वो अपना लेकर के आ रहा है उसी के अनुरूप उसे अपने यहीं से निःशुल्क आवेदन पत्र दे करके उसकी सारी औपचारिकताएं पूरी करा करके हेल्प डेस्क पे उस आवेदन पत्र को चढ़ा करके और उसको तुरंत निस्तारित करके राहत दी जाए।